अरे भाई से क्या हुआ, ये क्यों भाग रहा था? ये तो नहाने से डरता है, और इस पे मैंने इनाम भी रखा हुआ है। जो बंदा इसे नहलाएगा उसे मैं पूरे 30,000 इनाम दूंगा। 30,000? ये कौन सी बड़ी बात है, अब 30,000 तैयार रखे, मैं इसे भी नहला देता हूँ। शायद तुम इसके बारे में जानते नहीं, पिछले 6 सालों से ये नहीं आया। 30,000 के पीछे मैं इसे नहलाऊंगा, चाहे इसकी जान क्यों निकालनी पड़े। अच्छा देख लूंगा तुम्हें भी, अगर तुम इसे ना नहला पाए तो उल्टा 30,000 मैं तुमसे लूंगा। ठीक है, ये मेरा काम है, अब 30,000 तैयार रखे, मैं उसे नहला के आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैंने सुना है पिछले 6 सालों से नहाए नहीं है, अगर आप इस बार नहा लेते हैं ना तो मैं आपको पूरे 20,000 रुपए दूंगा। है? नहाने के 20,000? चलो अभी नहाते हैं। बीस के बजाय 20 लाख भी देगा तभी मैं नहीं नहाऊंगा। ओह नो, ये गंद कहाँ से आया? गंद जितनी मर्जी आ जाए, नहाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा आदमी है, इसके साथ क्या करूं? घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसके साथ भी वही काम करना पड़ेगा। अरे भाई तुम फिर आ गए। अरे आपकी फायदे की बात बताने आया हूँ, हमारे नहर में आई हुई मच्छी, जो भी उसे एक बार खा लेता है उसको पूरी जिंदगी नहीं नहाना पड़ता। अच्छा हाँ, चलो शिकार पर चलो। यही वो नहर है जिसकी मच्छी को एक बार खा लेता है ना उसको पूरी जिंदगी नहीं नहाना पड़ता। मच्छी मैं ही पकड़ूंगा, मच्छी तुम पकड़ना, मुझे पानी से डर लगता है। ठीक है मच्छी मैं ही पकड़ूंगा, तुम इधर ही रुको, मैं मच्छी पकड़ने वाला जाल लेके आता हूँ। ठीक है गया पानी में, जीत गया मैं शर्त, अब पूरे 30,000 रुपए मिलेंगे। 1 घंटे बाद निकल क्यों नहीं रहा ये? लगता पानी से कुछ ज्यादा पसंद आ गया, पिछले 6 सालों से नहा नहीं था ना इसलिए। ओह नो, भाई क्या हुआ भाई? अरे तू मर गया, 30,000 के चक्करों में 30 लाख का बंदा लुढ़क गया।